मूवी के शुरू होते ही हमें एक सेफ काओ को देखते हैं। वो बहुत मजे मजे से खाने बनाया करता था। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मगर वो उसको साफ रखता था और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास में काओ के साथ हुआ वो बहुत बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे सेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग को सीख सके। काओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो अपने बचपन में ना कर सका। काओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तो वो बहुत ही कमाल के शेफ बन गए थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन इनका बेटा यानी काओ उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने अपना बचपन यानी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ काओ की फादर यानी मास्टर शेफ को भी ये बात की बहुत खुशी थी कि दुनिया ये नहीं जानती कि काओ ही उसका बेटा है, और ये बात से काओ भी बहुत सैड होता था। अब सीन चेंज होता है और हम एक फेमस हैंडसम और एक यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पोल होता है। पोल का यह ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाए। इसलिए वो ब्रॉड को छोड़ते हुए और सारे ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ। फिश सेलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही वो काउ उसके पास बड़ी सी फिश लेने के लिए आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पोल को बहुत गुस्सा आता है और वो काओ को गुस्से से देखता है, जैसे उसे जलस हो रही है। फिर पोल पूछता है कि भाई तुमने इसे मछली क्यों दे दी। फिर शैलर जब इन दोनों की गुस्से को देखता है तो वो मछली को दो टुकड़े कर देता है ताकि उसमें लड़ाई ना हो। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। अब हम पोल को एक शानदार और बड़ी सी प्यारी सी रेस्टोरेंट में देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट क्लीनिंग एडवांस तरीके से बनाया गया था और बहुत ही कूल रेस्टोरेंट होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया होता है। पोल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो काओ की रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर काओ के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इन सारे कस्टमर का सारा इंटेंशन अपनी तरफ लेने वाला था और इन सब लोगों को इनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट करने के लिए उसमें चले जाते हैं तो काओ के दोस्त काओ को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कस्टमर का वाकई में अटेंशन अपनी तरफ करता है और वो फिर से काओ के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पोल के दोस्तों को काफी गुस्सा आता है और वो इनसे आके काफी गुस्से से बात करता है कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही है। एट दी एंड प्रीटीज ने डिसाइड किया होता है कि क्यों ना एक कॉम्पिटिशन रखा जाए और देख लिया जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो मान नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन लोगों का आमना सामना तो उस दिन फिश स्टॉल पर हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश को रखा जाता है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पोल फिश को काटता है और इसके कांटे बहुत ही स्मूथली और तेजी के साथ निकाल देता है। उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश काओ की तरफ फेंकता है। काओ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है। उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी मीट नहीं लगा होता, तो उसको भी सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ पर चेयरमैन भी होता है तो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस से कुकिंग करता हूँ और चाइना आके मैंने फील किया है कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं। और ये बात जाहिर है कि ये बात वो इनडायरेक्टली काओ को ही कह रहा था और इसे देखकर काओ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ पर सबको पता चल जाता है कि पहले इनका आपस में कॉम्पिटिशन होगा, अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। और ये मास्टर शेफ और कोई नहीं बल्कि काओ का फादर ही था। उधर काओ के रेस्टोरेंट में पोल की फ्रेंड आती है और काओ और उसके दोस्तों को रेस्टोरेंट आने को कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाए। अब वो दोनों यानी काओ और उसका दोस्त रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन उनको खाना पोल नहीं बल्कि पोल की दोस्त सर्व करती है। देखने में वो खाना तो फ्राइड एग और प्लांट पॉट की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देखकर वो सोचता है कि वाकई में पोल कुकिंग बहुत अच्छा करता है। तो वो सीधा किचन में जाता है और उसको गुस्से से कहता है, पोल अपना खाना अच्छा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम अच्छे कुक हो। तो पोल चुप रहता है और उसे मीट पकाने को कहता है कि चलो देखते हैं
कि कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। काउ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब काउ बहुत ही अच्छे तरीके से मीट को पकाता है, वो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब काउ उसे स्मेल करता है तो उसकी डिश में और पोल की डिश में कोई भी फर्क नहीं लग रहा होता, तो समझ जाता है कि वाकई में इसके पकाने का तरीका बहुत ही खास है और एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब काउ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। काउ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात नहीं मानते कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। तो मास्टर साहब उससे कहते हैं, मैंने ये इसलिए कहा था ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कुकिंग पर पहुँचे, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद से करो। और काउ कहता है कि डैड, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। अब काउ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है, सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती है, कॉम्पिटिटिव यानी पोल और काउ भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है, पोल की कोई स्वीट डिश होती है और काउ की चिकन डिश, दोनों बहुत मेहनत से अपनी अपनी डिश तैयार करते हैं। पोल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश को तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद काउ भी शानदार डिश रेडी करता है। उसने भी टाइम पर अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब उनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों को ही सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जजेस को उनके खाने में इतना कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इनका कंफ्यूजन को क्लियर करके कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस काफी मजेदार थी, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पोल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए कंपटीशन पोल ने अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काउ क्योंकि कंपटीशन हार चुका था तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है, और कई दिनों तक यानी वो अपना टाइम वीडियो गेम खेलते हुए स्पेंड करता है। और एक दिन उसके पास वही शेप आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा और उसी के पास काउ की डैड उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि काउ देखो, हार जीत तो इंसानों की जिंदगी का एक हिस्सा होता है ना, अगर आज तुम नहीं जीत सकी तो ये जरूरी है कि कल भी तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन काउ घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा, अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है, वो बहुत एंजॉय करता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं तो बातों बातों में उसका दोस्त उसे पूछता है कि पॉल, तुम अपने दोस्त को भी एक चांस क्यों नहीं देते, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, उसे अलो करो कि वो इंटरनेशनल में तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल उसे कहता है, हाँ बेशक वो मेरी दोस्त है, इस बात से मैंने मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना पकाना भी नहीं आता, तो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उसका दोस्त और बातें करने लगता है और उसकी बातों से ये लग रहा था जैसे ये उसके दोस्त से ही मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है। तभी वहाँ पर पोल की वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप के दो कप रखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किसमें ज्यादा सॉल्ट है। तो यहाँ पर पोल खामोश हो जाता है क्योंकि उसे टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती, कि टेस्ट बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते थे और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पोल बहुत दुख हो जाता है कि उसकी अपनी दोस्त ने ही उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया है और धोखा दिया है। तो अब उसकी दोस्त उसे कहती है, क्या हुआ पोल, क्या तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत फैमिली थी, आजकल ऐसा कहा होता है, मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज कर सकूं, इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। इसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया, क्या तुम मुझे एक ऑफर भी नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी इस कॉम्पिटिशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पोल की दोस्त पोल के दोस्तों के साथ मिलकर पोल को चीट कर रही थी, कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और पोल के अगेंस्ट एक साजिश यानी कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे। पोल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे, उनसे जो पैसे आएंगे उसे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन पोल भी ऐसा नहीं होने दे सकता था। पोल बहुत उदास हो जाता है और अपनी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी थी और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काउ भी देख लेता है और उससे कहता है, पोल तुम उदास क्यों हो यार, तुम तो कंपटीशन जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ जीत तो चुका हूँ पर बहुत कुछ हार भी चुका हूँ। खैर तुम छोड़ दो, तुम्हें क्या बताऊँ, सामने में ये बैनर देख रहे हो, इनफैक्ट काउ के फादर यानी उसी मॉन्स्टर शेफ की पिक्चर होती है। तो पोल उसकी तारीफ करके इशारा करता है कि ये मेरे आइडल है, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। और काउ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पोल ये मेरे फादर है, तुम यही सोचते हो ना कि ये एक अच्छे इंसान है और तुम इनके जैसे बनो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरे फादर है और बहुत बुरे है।
काऊ उसे अपने पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पोल कहते हैं कि काऊ तुम मजाक मत करो यार, बस कर दो, नहीं वो मुझे बचपन में वाकई में छोड़कर चले गए थे सिर्फ इसलिए कि मैं उनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा था। तो पोल कहता है कि अच्छा उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो काऊ से कहता है बॉटल फेंक सकते हैं। तब वो खाली बॉटल्स को बैनर पे फेंकते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब पोल जब वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे हैं। तो पोल उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हो। कि मुझे बताओ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में तुम किसे लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड टू में अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ अपना पार्टनर होना चाहिए, लाजमी होता है, क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे? तो पोल कहता है मेरा दिमाग क्या खराब है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो वाकई डिजर्व है। पोल यहाँ पर काऊ का नाम लेता है तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं। उनमें से एक कहता है पोल याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पोल उसे सिर में हिट कर कहता है, उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो काऊ का वही गार्जियन सैप पोल से कहता है पोल वाकई में तुम्हें ये सोचा है कि तुम काऊ को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पोल कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ वो काऊ के शोल्डर पर ठोक कर ये भी कहता है हाँ ये डिजर्विंग है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पोल काऊ को अपने नए तरीके सिखाएगा जबकि काऊ पोल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा, जिस तरह से कुकिंग करता है। काऊ पोल से कहता है तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड काम नहीं करते मैं तुम्हारा टेस्ट बड वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो, पोल भी उसे नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर इन दोनों की काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ ये डांस भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बातें भी करते हैं। और अब यहाँ पर इन दोनों की काफी अच्छी और गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो दिन आ जाता है जब इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन राउंड टू होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब डिश बना के रेडी करते हैं, जो कि जजेस को इतनी पसंद आती है कि वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। और ये राउंड उन दोनों ही विन कर लेते हैं। आ जाता है ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब इसी के साथ शुरू होता है थर्ड राउंड, जो कुछ दिनों बाद था और ये कंपटीशन इनका उसी मास्टर शेफ यानी काऊ के फादर के साथ था। यहाँ पर पोल काऊ से कहता है मुझे लगता है कि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हो, तो तुम ही चले जाना। काऊ पोल से कहता है तुम बहुत अच्छे शेफ हो और तुम्हें एडवांस तरीके भी पता है, तुम मेरे ही जैसे अच्छे कर सकते हो, उसे भी अच्छा कर सकते हो। तो पोल कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर लिया है अपना रेस्टोरेंट बनाकर। तो तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो ना, वो तुम्हें एक अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। तो काऊ मान जाता है और पोल को शुक्रिया अदा करता है। और फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका होता है और दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगते हैं। अब काऊ भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले ही उसे अपनी बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ पर उसके फादर से छोड़कर गए थे और उसे काफी बच्चे बुली भी किया करते थे। वो यादों में खो जाता है, उसके फादर आके उसके मुंह में पानी गिराते हैं और कहते हैं अपना काम शुरू करो। तब यहाँ पर वो कुछ बनाना शुरू करता है। उसी तरफ काऊ के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें एक पूल निकल रहा हो, उनका बहुत ही अलग टेस्ट होता है, जजेस को ये बहुत पसंद आता है। और जब काऊ की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए तो एक बाउल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास लेकर जाता है और उनको प्रेजेंट करता है। मास्टर साहब उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिसकी वजह से काऊ के फादर से उसे डांट पड़ी थी, तुम तो नूडल्स भी नहीं बना सकते। और आज काऊ ने इतने मजे से नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ रहे थे और नूडल्स को वाइडली खाने लगते हैं। वो अपने बेटे को रोकर कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। वो यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम भी सेम है और इन दोनों की बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा है कि बेटा और बाप है। यहाँ पर काऊ का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उसके फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और काऊ अब साथ साथ काम करते हैं कि ऑडियंस पहले से कई ज्यादा है, यानी उनके पास और भी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, लोग उनका खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अब रौनक ही रौनक हो जाती है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।